दोस्तों नमस्कार, आपके द्वारा रिटायर्ड कमिश्नर क्षेत्र से इसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने आपको राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगर पालिका समितियों के शक्तियां कर्तव्य तथा कृत्य नियम 2009, राजस्थान नगर परिषद जो मेटल कॉन्ट्रैक्ट रूल 1974 नियमों के बारे में विस्तृत रूप से आपको अध्ययन कराया गया था। आज हम आपको राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो 1/1 धाराएं के बारे में अवगत अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले क्योंकि जो नगर पालिका के जो नियम इसलिए हमने पढ़ाया था कि आपको सुविधाजनक आपको याद रहे नियम के बारे में, उसमें जो धाराएं जो शामिल थी नियमों के अंतर्गत उन धाराओं का हमने आपको संक्षिप्त विवरण वहाँ नियमों के अंतर्गत जब जो धाराएं आई थी उनका उल्लेख किया गया था। अब यहाँ नगर पालिका एक्ट जो अधिनियम 2009 है इसमें 1/1 धाराओं के बारे में आपको स्पष्ट अवगत कराया जाएगा। सबसे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इससे पहले राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1969 लागू था। 1969 जो उन बाद में 74वें संविधान संशोधन के बाद इसमें 1992 में 74वां संविधान संशोधन आया, जो 1993 में राजस्थान नगर पालिका जो है उनको मतलब 1993 में संविधान दर्जा दिया गया। इसके पश्चात यहाँ राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य में भी इसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1969 के स्थान पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लाया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लाया गया, इसको ये 11 सितंबर 11/11/2009 को इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ, राजपत्र में प्रकाशन प्रकाशन हुआ। लेकिन इसके जो प्रभाव, इसके सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले राजस्थान जो इसका अध्याय 1 है, अध्याय 1 में एक तो इसमें इसका संक्षिप्त नाम प्रसार वह प्रभाव, तीन चीज है जिन सेक्शन 1 में, धारा 1 में सेक्शन 1 के अंतर्गत जो धारा 1 है उसके अंतर्गत का संक्षिप्त नाम प्रसार वह प्रभाव। तो संक्षिप्त नाम इसका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम अधिनियम 2009 2009 संक्षिप्त नाम ये है। और प्रसार इसका है छावनी क्षेत्र को छोड़कर, छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में इसका प्रसार, पूरे राजस्थान में इसका प्रसार है, पूरे राजस्थान में ये अपने सेक्शन 1 में है। तो अपने इसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल चैप्टर है 17 और जो सेक्शन है 44 और अनुसूची है 6 इस प्रकार से। लेकिन अपने जो आगे इसमें इसको पब्लिश कब किया गया था, 11 सितंबर 2009, और जो फोर्स में आया ये प्रभाव में आया वो 15 सितंबर 2009 से प्रभाव में है। इस प्रकार ये 11/11/9/2009 को तो प्रकाशन हुआ इसका, 15 सितंबर 2009 को ये प्रभाव में आया। इसमें जो अपने सिलेबस है राजनीति पार्ट, उसमें अपने जो अध्याय 9 दो अध्याय शामिल किए गए हैं, चैप्टर 2 चैप्टर 3। इसमें चैप्टर 2 में क्या है जैसे नगर पालिकाओं का गठन और शासन, चैप्टर 30 में कार्य संचालन और वार्ड समिति, इस तरह चैप्टर 4 में अपने जो शामिल किया गया है नगर पालिका संपत्ति, फिर इसमें नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि, चैप्टर 5 में, चैप्टर 7 में नगर पालिका राजस्व, चैप्टर 11 में नगर पालिका विकास और नगर योजना, चैप्टर 12 में जो शामिल किए गए हैं नगर पालिका शक्तियां और अपराध, और फिर इसमें चैप्टर 13 में जो शामिल किए गए हैं अभियोजन भाग, और लास्ट में जो चैप्टर 14 है उसमें नियंत्रण। इस प्रकार से ये चैप्टर 9 के बारे में हम 1/1 सेक्शन एक इसके अध्ययन करेंगे और आपको डिटेल वाइज इसका अध्ययन कराया जाएगा। जो जो आपके जिसमें जो मुख्य मुख्य धाराएं होंगी इसके बारे में आपको बता दूंगा भाई, इसमें आपको ज्यादा विशेष जोर देना है। और वैसे धाराएं कुछ कुछ तो आपको जानकारी रूप से आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और जिसमें क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूंगा कि भाई इस प्रकार से ये धाराएं अपने। अब अपन इसमें जो चैप्टर 1 है
इसमें सेक्शन एक है, इसका जो नाम दिया गया, टाइटल दिया गया है, टाइटल नाम जो दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 दिया गया है। इसी प्रकार इसका जो प्रसार है, मतलब इसका एक्सटेंट है, प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरे राजस्थान में है, पूरे राजस्थान में इसका प्रसार किया गया है। और कब से प्रारंभ किया गया है ये मैंने आपको पहले बताया भी था, दोबारा आपको 15 सितंबर 2009 से प्रभाव में आया है। इस प्रकार ये सेक्शन एक है, इसके अंतर्गत इतना ही है। अब सेक्शन दो है, यानी उसमें परिभाषाएं हैं। परिभाषाएं के संबंध में आपको जब अपन इसको सेक्शन पढ़ेंगे, एक एक सेक्शन जब पढ़ेंगे, उस समय जो इसके शब्द जहां भी इस परिभाषा शब्द आएंगे उस समय इसको हमें डिटेल से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इस समय अभी एक साथ इस समय चर्चा करने से आपके समझ में भी नहीं आएंगी और पूरा ये सारा जो अपना कंटेंट है वो कचरा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये इसलिए यहाँ इसको परिभाषा के बारे में अवगत नहीं करा रहा। परिभाषाएं जहां भी जहां शब्द आएंगे उस संबंध में आपको उस परिभाषा के बारे में डिटेल से अवगत करा दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और आपके लिए सुविधाजनक भी रहेगा। ऐसी स्थिति में अपन जो जहां भी अपन कंटेंट पूरा कंटेंट दे रहे हैं, तो कंटेंट में पूरी स्टडी आपको कराई जा रही है, और जो हमारी पीडीएफ जो हमने पीडीएफ तैयार करी है उसमें पूरा कंटेंट शामिल कर रहे हैं। आपके जो बाजार में जो किताबें आ रही है मैंने उसका विश्लेषण किया है, उनका अध्ययन किया है, उसमें मतलब पूरी जो कि जो उनका एक्ट था नगर पालिका एक्ट का जो कॉपी पेस्ट की गई है, यानी उनमें जो कोई राज्य सरकार द्वारा जो समय पर जो संशोधन किए गए हैं उनका अपडेशन नहीं किया गया है। हमने इसमें कंटेंट में पूरा अपडेशन करते हुए ही शामिल किया है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप यदि किताबें परचेज करने के बजाय जैसे पीडीएफ भी करना ही, अगर मान लीजिए करना ही है तो, लेकिन हमारा जो कंटेंट पढ़ेंगे तो उसमें हमने पूरा अपडेट दिया है, पूरा अपडेट शामिल करके फिर कंटेंट तैयार किया गया है, उसी हिसाब से हम अध्ययन करा रहे हैं। हमने मतलब इसमें क्या है कि जो इसकी नगर पालिका एक्ट में तो ये भी क्या है कि बहुत क्लिष्ट भाषा है, हमने इसको क्या है सरल भाषा में आपकी भाषा में इसका वो कंटेंट बनाया गया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, सुधारे और कोई याद करने में भी आसानी रहे। समय समय पर हम इसकी क्या है कि जब ये सेक्शन जब ये अध्याय 9 जो सिलेबस के हिसाब से दिए गए हैं उनको पढ़ाने के अध्ययन कराने के बाद इसमें हम आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, क्वेश्चन आंसर के भी बना के देंगे, ताकि आपको पुनः याद हो जाएगा, पुनः इसके रिवीजन क्लासेस में लगाएंगे, ताकि आपको याददाश्त करने में कोई समस्या नहीं रहे, कोई असुविधा नहीं उत्पन्न हो। अब इसमें मैं आपको सीधे अध्याय 2 पे आ रहा हूं। अध्याय 2 में जो अपने धारा 3 से और 50 तक का इसमें अध्याय 2 में है, जिसमें क्या नगर पालिका का गठन और शासन, नगर पालिका गठन किस प्रकार से किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार से नगर पालिका गठन करती है, इस प्रकार से नगर पालिकाओं की जो स्थापना की जाती है उनमें किस प्रकार से कौन कौन से मेंबर्स चुने जाएंगे, फिर कौन कौन से मेंबर्स में शामिल होंगे, इसमें जो आगे है जो धारे आएंगी 6 में इस प्रकार से बताया जाएगा कि किस प्रकार से कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होंगे, नॉमिनेट कितने होंगे और एमएलए एमपी इसमें सदस्य होंगे या नहीं होंगे, या जो इसमें निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होगा, इसमें सब आगे हम इसमें धाराओं में अध्याय 2 के अंतर्गत इसमें डिटेल से बताए जाएंगे, और कौन कौन सी इसमें अयोग्यता लागू होंगी, कौन कौन सी इसमें इनके लिए पात्र होंगे, कितने कितने योग्य किस प्रकार से चुनाव होंगे, कौन सा चुनाव कराएगा, इसके लिए सारी इसमें सेक्शन 3 से 50 तक इसमें प्रावधान किया। नगर पालिका के मुख्य कार्य क्या होंगे, सप्लीमेंट्री का इसके अलावा और कार्य क्या होंगे, जो अधिशासी अधिकारी है या मुख्य नगर पालिका अधिकारी उसके कार्य क्या होंगे, जो अध्यक्ष है या मेयर है या जो सभापति है उनके कार्य क्या होंगे, उपाध्यक्ष के कार्य क्या होंगे, ये सब आपको हम इस डिटेल 1 बाय 1 सेक्शन वाइज इसको डिटेल में आपको अध्ययन कराएंगे।